हमारे प्रदेश के 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों का हायर सेकेंडरी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। मैं प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। लेकिन एक बात ये जरूर कि कोरोना के चलते मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ में बड़ा संकट आया और संकट के दौर के बाद भी जैसा हम चाहते थे वैसे स्कूलों का संचालन नहीं हो पाया। फिर भी हमारे विद्यार्थियों ने काफी मेहनत करके रात दिन एक करके और आज रिजल्ट को सबके सामने लाए हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को अपनी ओर से यही कहूंगा कि आपने संकट के क्षण में भी अपनी पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी। एक प्रकार से ऐसा संकेत रिजल्ट से जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से यदि कोरोना का प्रभाव नहीं होता तो हमारे प्रदेश के विद्यार्थी आज के इस रिजल्ट में और अव्वल होते और अच्छा परिणाम हमारे सबके सामने आता। आज हायर सेकेंडरी के जो परिणाम रहा है 6,97,880 विद्यार्थियों में से जो आए हैं परिणाम 72.72% और हाई स्कूल में 10,29,698 विद्यार्थियों में से जो परिणाम आया है 59.54% परिणाम ये रहा है स्कूल का। प्रवीण सूची में 93 छात्राओं एवं 60 छात्रों कुल 153 ने स्थान पाया है। और विशेष बात यह है कि ट्राइबल जो जिला है हमारा अलीराजपुर जिला अव्वल आया है। अलीराजपुर जिले का परिणाम 93.24% रहा है और दूसरा जिला दमोह जहां पर 89.18% रहा है, यानी अलीराजपुर नंबर एक पे, नंबर दो पे दमोह रहा है हायर सेकेंडरी में। लेकिन एक और विशेष बात कि हाई स्कूल में उल्टा हुआ है, हाई स्कूल में दमोह नंबर एक पर आया है और अलीराजपुर नंबर दो पर आया है, यानी नंबर एक और दो आपस में ही एक्सचेंज जैसे हुए हैं। मैं दोनों जिले के शिक्षकों को भी बधाई देता हूं, वहां के विद्यार्थियों को बधाई देता हूं, अभिभावकों को बधाई देता हूं कि वहां के जहां पर अपेक्षा लोगों को शायद कम रहती है अलीराजपुर जैसे जिले में, वहां का परिणाम निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत आशाजनक है, उत्साहवर्धक है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आज परिणाम की घोषणा हो रही है, विद्यार्थियों की संख्या बैठने वालों की बड़ी संख्या थी। मैं उन विद्यार्थी भाइयों बहनों से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं जो शायद कम अंक लाने के कारण से असफल हुए हैं, मेरी मान्यता है कि असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये केवल अंकों का ऊपर नीचे का खेल हुआ है, इससे जीवन नहीं हारते हैं, जीवन में इससे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ने का संकल्प ऐसे सभी मेरे छोटे भाइयों बहनों को लेना होगा। किसी प्रकार से निराशा ना लाए, उत्साह का वातावरण बनाए। और मैं ऐसे अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि वो भी अपने बेटे बेटियों को संभालें और उनको आगे बढ़ने की फिर से मेहनत करने की प्रेरणा दें ताकि हम अगले वर्ष में और अच्छा परिणाम दे सके, अच्छा रिजल्ट ला सके और अगले साल का परिणाम इस भाव के साथ कि 100% हमारे विद्यार्थी परिणाम देंगे, 100% परिणाम देंगे, इस प्रकार के साथ तैयारी करेंगे। मैं अपनी ओर से सभी को फिर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा है कि अंक के आधार पर परिणाम आया है और इसलिए ये जीवन हारने वाला विषय नहीं है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को और अभिभावकों को मैंने अपील की है कि अपने बेटे बेटियों को संभालें, ये जीवन हारने जैसा काम नहीं है। हम फिर से उनकी तैयारी कराएं, फिर से प्रेरणा दें उनको और अगले साल वो अच्छा परिणाम लाए। इस प्रकार से अभिभावक और हमारे शिक्षक सब मिलकर के इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे किसी भी प्रकार की निराशा की स्थिति में ना आने पाए। और इसके लिए एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमने यदि जो बच्चे रुके हैं तो हमने ओपन बोर्ड के द्वारा पिछले सालों में भी रुक जाना नहीं कार्यक्रम के अंतर्गत फिर से परीक्षाएं हमने ली है, अवसर दे रहे हैं उसमें बैठने का, उसमें बैठ करके अपना फिर से परिणाम सुधार सकते हैं। एक प्रकार का अवसर है, इसलिए किसी भी बेटे बेटी को निराश होने की जरूरत नहीं है। उनको आगे बढ़ने के लिए, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित करने की आवश्यकता है। हाँ, हमने यदि जो बच्चे किसी प्रकार के डिप्रेशन में या किसी प्रकार के प्रश्न उनके मन में आते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, हमेशा वो टोल फ्री है, उन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं और हमारे यहाँ से संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की है। इस बार नहीं बुलाया है, उसके पहले परंपरा थी, 2020 में भी नहीं बुलाया था, लेकिन उसके पहले परंपरा थी। लेकिन हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिनको लैपटॉप देने के लिए योजना बनाई थी वो इस साल फिर से प्रारंभ की जा रही है, उसका जल्दी हम बुला करके उनकी व्यवस्था करने वाले हैं। निश्चित रूप से यदि कोई ऐसी विषय आया है तो आपस में विभाग के लोग बैठ करके समन्वय करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार से कोई आपस की स्थिति नहीं बने। मेरे ख्याल से उसका रिजल्ट का परिणाम असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमने इस बार जिस व्यवस्था बदली है वो विद्यार्थियों के हित में ही रही है, उससे विद्यार्थियों को फायदा हुआ है। छोटे प्रश्न पूछे, लघु प्रश्न पूछे, उनकी संख्या बढ़ाई है, ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, उससे विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हुआ है, उससे फायदा ही हुआ है। और हम कोशिश करते हैं हर साल की ब्लूप्रिंट समय पर दे दें, पर क्योंकि कोरोना के कारण से सब चीजें प्रभावित हुई थी, हमारे विभाग में भी काम प्रभावित हुआ था, इसलिए थोड़ा विलंब जरूर हुआ था, लेकिन अगले साल हम प्रारंभ में ही सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। ब्लू प्रिंट वैसे नवंबर में दे चुके थे, है ना, नवंबर में हमने दे दिया था, लेकिन और पहले की अपेक्षा है तो उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन नवंबर में दे चुके थे। और इस बार हम जो इस बार अभी से तैयारी हो गई है, हम जैसे ही जून के 15 जून के बाद जब सत्र प्रारंभ होगा तो हम मूल्यांकन पद्धति में कुछ और परिवर्तन करने जा रहे हैं, उस पर भी हम काम चल रहा है, वो भी हम कैसे परीक्षा कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, उस सबको समग्र मूल्यांकन को आधार बना करके चलने की कार्य योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, उस पर मध्य प्रदेश भी अगला कदम बढ़ाने वाला है और हम समय पर सब ये बराबर कर देंगे उसके।